हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। जैसे कि आप लोगों को 4A का क्वेश्चन अपलोड किया जा चुका है आप लोगों के लिए, और अब 4B का क्वेश्चन अपलोड हो रहा है जो B.Ed फर्स्ट ईयर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जिसका एग्ज़ाम 10/6/2019 को हुआ है, यानी कि आज। दोनों का एग्ज़ाम एक ही साथ होता है 1.5 घंटे में। अगर और वीडियो को अलग अलग अपलोड किया जा चुका है, आप लोग ये सोच रहे होंगे तो, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन वीडियो लॉन्ग हो जाता सो आप लोगों को बोरिंग लगती, इसलिए अलग अलग बनाया जा रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये भी 50 मार्क्स का होता है और 40 मार्क्स का थ्योरी और 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल। इसमें भी 3 क्वेश्चन करने होते हैं। देखिए, ये कंपलसरी होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, इमरजेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स फ्रॉम सोशल कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, यानी निम्नलिखित के संक्षिप्त उत्तर कितना दीजिए। सामाजिक परिप्रेक्ष्य से विद्यालय विषयों का आविर्भाव, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर एवं संबंध। यूनिट 1। ओके, डिस्क्राइब द नेचर एंड टाइप ऑफ डिसिप्लिन, डिस्कस अबाउट द इमरजेंस ऑफ डिसिप्लिन फ्रॉम फिलोसफिकल कंटेक्स्ट, यानी डिसिप्लिन के प्रकृति एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। दार्शनिक परिप्रेक्ष्य से डिसिप्लिन के आविर्भाव के संबंध की व्याख्या कीजिए, या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इमरजेंस ऑफ टीचिंग मेथड्स, रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द स्कूल करिकुलम, इमरजेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट फ्रॉम पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। ओके, निम्नलिखित में से किन्हीं 2% टिप्पणियाँ लिखिए। शिक्षण विधियों का आविर्भाव, स्कूल पाठ्यक्रम में डिसिप्लिनरी ज्ञान की भूमिका, राजनैतिक परिप्रेक्ष्य से विद्यालय विषयों का आविर्भाव। यूनिट 2 में देखिए, व्हाट क्राइटेरिया डू यू सजेस्ट फ्रॉम सेलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक्स एज सोर्स ऑफ नॉलेज, एक्सप्लेन, ज्ञान के स्रोत के रूप में पाठ्य पुस्तकों के चयन हेतु आप किस प्रकार का मापदंड सुझाते हैं, स्पष्ट कीजिए। या आप इसे भी कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, रोल ऑफ डिफरेंट एजेंसीज ऑफ डिजाइनिंग द सिलेबस एट नेशनल लेवल, रोल ऑफ डिफरेंट एजेंसीज इन प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक एट नेशनल लेवल, रोल ऑफ डिफरेंस एजेंसी इन डिजाइनिंग द सिलेबस ऑफ स्टेट लेवल। निम्नलिखित में से किन्हीं 2% सिर्फ टिप्पणियाँ लिखिए। राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यचर्या यानी सिलेबस की संरचना में विभिन्न एजेंसी की भूमिका, राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने में विभिन्न एजेंसी की भूमिका, राज्य स्तर पर पाठ्यचर्या की संरचना में विभिन्न एजेंसी की भूमिका। ओके, तो ये थे आपके 4B के क्वेश्चंस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी B.Ed का। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।